हेलो सर साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के पूरे 5 चैप्टर हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। अब फिजिक्स के पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये किताब में क्या है साथियों, किताब में 10वां अध्याय है। आपके बुक में 10वां अध्याय होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर है, बेहतरीन वाला चैप्टर है और इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो शुरू से हम लेकर आपको चलेंगे और बेहतरीन तरीके से चैप्टर आपको समझा देंगे। बस पूरी तरीके से शिद्दत से वीडियो में बने रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। जहाँ पे चीजें दिक्कत हो रही है जिस चीज में, कमेंट बॉक्स में छपा करिए, उस पर आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। प्रकाश तथा प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं ये देखेंगे। दूसरा, दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पारदर्शी तथा अपारदर्शी और एक किसी में होता है अल्प पारदर्शी, इन तीनों पे डिस्कशन होगी। प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, ठीक है, इस पे चर्चा होगी और ये कितने प्रकार की होती है ये भी देखा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है प्लस परावर्तन का नियम क्या होता है, आज के चैप्टर में हम लोग, मतलब आज के लेक्चर में इतना चीज क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आखिरी में क्या देखेंगे, प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर देखेंगे कि पिछला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पिछले क्लास में उसका क्या आंसर था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का प्रकाश तथा प्रकाश के गुण। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें किसकी, प्रकाश की, ठीक है। प्रकाश यानी लाइट, ध्यान दीजिए, प्रकाश यानी क्या, लाइट। क्या होता है प्रकाश, ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। काम क्या करती है, आंखों को संवेदित करती है। किसको, आंखों को, आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है। या फिर क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी अच्छा सोचिए, प्रकाश नहीं होता तो हम दिखाई देते या बोर्ड दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ये वस्तुओं क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअली प्रकाश की परिभाषा। अब बात करते हैं किसके गुण की, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसका गुण यानी प्रॉपर्टी। पहला बात कर ले कि कैसे चलती है ये सीधी रेखा में, कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक, एकदम सीधे सीधे चलेगी, बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। पहला गुण यही है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण अगर बात कर ले कि प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। कैसी घटना, परावर्तन की घटना। अब परावर्तन क्या होता है, हम कह रहे हैं शीशा ले लीजिए, यानी जो उसमें चेहरा अपना देखते हैं, दर्पण ले लीजिए और क्या करिए, धूप में उसे देखिए रख कर, तो क्या मिलेगा आपको कि प्रकाश जिधर से आ रहा होगा ठीक विपरीत दिशा में, चाहे उधर की तरफ भी क्या करता है, वापस चला जाता है। शीशा चमका के देखिएगा, दर्पण जिसे बोलते हैं, देखेंगे प्रकाश आता है टकरा के वापस जाता है। यही घटना क्या है, परावर्तन की घटना। या फिर धूप में कांच का शीशा दर्पण रख दीजिए, वो चमकता है, वो किस घटना के कारण, परावर्तन के कारण है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, इसमें अपवर्तन की भी घटना होती है। कौन सी वाली, अपवर्तन वाली घटना। अब ये कौन सी वाला है अपवर्तन की घटना, समझने की कोशिश करिएगा। हम कह रहे हैं कि पानी में अपना अंगुली डालिएगा, लगेगा अंगुली मोटा दिख रहा है, अंगुली कैसा दिखेगा पानी के अंदर, मोटा दिखेगा। यही घटना अपवर्तन की है। तारे टिमटिमाते हैं ना, तारे जब आकाश में देखेंगे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे नहीं है आकाश है ना, अभी यहाँ पे छत है, अभी टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। क्यों, अपवर्तन की घटना के कारण ही। अगला अगर बात कर लें, अगला गुण क्या है कि अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग, अलग अलग रंगों की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे ज्यादा किसकी, लाल रंग की। सबसे कम किसकी, बैंगनी रंग की कलर की। सबसे कम मतलब तो ज्यादा दिखाए ऊपर की तरफ, कम दिखाए नीचे की तरफ। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। अगला अगर देखिए, अगला और आखिरी, मतलब मेन मेन गुण केवल देख रहे हैं, ज्यादा नहीं देख रहे हैं ना, जो मेन मेन जरूरत है। प्रकाश निर्वात में चलती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रकाश कहाँ चलती है, निर्वात में चलती है। कितना तेज चलती है, 3×10⁸ m/s, इतना तेज चलती है। कहाँ पे, निर्वात में। प्रकाश निर्वात में चलती है जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। सबसे तेज निर्वात में प्रकाश चल सकती है, कांच में भी चलेगी ऐसा बात नहीं, नहीं चलेगा,
लेकिन स्पीड उसकी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, प्रकाश के गुण थे जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ध्यान से समझिएगा, नाम से क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होंगी जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा। जिनके पास कैसा प्रकाश होगा, स्वयं का प्रकाश होगा, वो क्या कहलाएंगे, दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा समझे दीप्त यानी लुमिनस, दीप्त यानी लुमिनस, तो दीप्त यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, कैसा प्रकाश होगा, स्वयं का प्रकाश होगा। कौन कौन हो सकते हैं, खुद सोचिए, हम क्या कह रहे हैं, बल्ब, बल्ब के पास स्वयं का प्रकाश होता है कि नहीं। अब दिमाग ज्यादा मत लगाइए, विद्युत धारा से जलता है बल्ब, ऐसी बात तो सही बात है, विद्युत धारा से जलता है, लेकिन उसके पास खुद का प्रकाश है, कोई उसे दे नहीं रहा, ठीक है, बल्ब हो गया। लालटेन है कि नहीं, तो लालटेन भी है, ध्यान दीजिए पहले वाले जमाने की मेन चीज सूर्य, सूर्य यानी सन। तारे बताइए, तारे हैं, बिल्कुल हैं, क्यों, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है, तारा है, ठीक है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है, बस वो हमारे नजदीक वाला है। आदित्य की बात करें तो आदित्य वस्तुओं में जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, नहीं होगा, और इसमें स्वयं का प्रकाश होगा था, इसमें नहीं है। क्या क्या हो सकते हैं, मेन वाला ही छापिए पहले, चंद्रमा, कौन सा वाला, चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो किसके प्रकाश से चमकता है, सूरज के प्रकाश से। अभी सूरज का प्रकाश बंद हो जाए, चंद्रमा चमकता है, अब दिमाग लगाएंगे कि सर रात को तो सूरज नहीं होता, फिर भी चंद्रमा दिखाई देता है ना, हाँ, तो ये कहानी उल्टी है ना, क्यों उल्टा है, क्योंकि सूरज ऊपर है हमेशा, है ना, हमेशा सूरज ऊपर है, हमारे यहाँ अंधेरा होता है लेकिन सूरज का प्रकाश ऊपर हमेशा है, ठीक है। तो चंद्रमा हो गया, कोई भी वस्तु, लकड़ी, लकड़ी हो गई, मेज हो गए, कुर्सी हो गई, हम लोग खुद, हम लोग खुद क्या है, अदीप्त वस्तु है, हमारे अंदर हमारा प्रकाश है क्या, नहीं। अच्छा जुगनू, जुगनू देखिए ना, जो रात में चमकते हैं, वो कौन से वाले में आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे, दीप्त में। जुगनू किस में हो जाएंगे, दीप्त में। हम लोग खुद मनुष्य, कोई भी मनुष्य, सब किस में आ जाएंगे, अदीप्त में। तो ये दीप्त वस्तुएं थी और अदीप्त वस्तुएं थी, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा वो दीप्त, जिनके पास नहीं होगा वो अदीप्त, ठीक। ये कहानी थी दीप्त और अदीप्त की। और वस्तु किसे कहते हैं, जनरली अगर हम बात करें, बार बार हम बोल रहे हैं वस्तु, तो अगर हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश अगर पढ़ रहे हैं, तो वस्तु यहाँ पे यही होगा जिससे प्रकाश निकलेगी, जिस स्थान से प्रकाश निकल रही होगी उस स्थान को हम इस पूरे चैप्टर में वस्तु मान के चलेंगे, ध्यान रहे इस चीज का। अब क्या देखेंगे, अब वस्तु को देखेंगे पारदर्शिता के आधार पर, विभाजन ही है ये, देखिए ये विभाजन था किसके आधार पर, चमकने के आधार पर, और ये पारदर्शिता के आधार पर विभाजन है कि वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी वस्तुओं में बांटा गया है, तो उसको भी ध्यान देते हैं अभी तुरंत। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे अब हम लोग, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु है ना। अच्छा पारदर्शी वस्तुओं का मतलब समझिए, पारदर्शी जिनमें से आर पार दिखाई देगा वो क्या कहलाएंगे, पारदर्शी वस्तुएं। ऐसे समझिए, आर पार जिसमें दिखाई देगा वो पारदर्शी। तो एक बात बताइए, आर पार हमें कब दिखाई देगा, जब प्रकाश आर पार जाएगी, जब प्रकाश आर पार जाएगी तो हमें आर पार दिखाई देगा, नहीं जाएगी नहीं दिखाई देगा। अभी क्या दीवार के हम उस पार देख पाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि उस पार का प्रकाश नहीं इस पार आ रहा है, नहीं इस पार का उस पार जा रहा है, हम नहीं देख पाएंगे। अभी ये कांच की दीवार होती, उस पार का प्रकाश इस पार आता, इस पार का प्रकाश उस पार जाता, तो हमें स्पष्ट दिखाई देता, ठीक। तो पारदर्शी वस्तु है जिसमें से प्रकाश आर पार जाएगी, पारदर्शी वस्तु है, जैसे सादा कांच, ध्यान दीजिए कौन सा कांच, सादा कांच लिख रहे हैं, सादा पन्नी, ध्यान दीजिए सादा पन्नी, प्लास्टिक वाली, ठीक है। सादा मतलब रंगीन वाले में ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, सादा वाले में स्पष्ट दिखाई देगा। शुद्ध जल, कैसा जल, शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल, ये सब किसके उदाहरण है, पारदर्शी वस्तुओं के। वायु भी देखिए किसका उदाहरण है, पारदर्शी है, हमें वायु में आर पार नहीं दिखाई देता क्या, तो पारदर्शी है वायु, ठीक है। अब अगला अगर बात कर ले अपारदर्शी, कौन सी वाली, अपारदर्शी, नाम से क्लियर, अपारदर्शी यानी जिसमें आर पार दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, जैसे जैसे ईंट की दीवार, ईंट की दीवार। अब लड़के क्या करते हैं गलती ना, लड़के लिख देते हैं दीवार के बाद, क्या लिख देते हैं, दीवार, दीवार कांच की भी हो सकती है, ठीक है, कांच की दीवार। अब देखिए शहरों में आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक। दूसरी बात कर ले लकड़ी, क्या पारदर्शी होता है, हमें लकड़ी भी सार पर दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं,
तीसरा, जिसमें से आग पर न दिखाई दे, लोहा में से दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। एल्युमिनियम में से? बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ क्या है, उदाहरण है, आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट वाला, अल्प पारदर्शी। कौन सी वाली? अल्प पारदर्शी, ठीक है। अल्प पारदर्शी वस्तुओं को देखेंगे ध्यान से। अल्प पारदर्शी में मतलब अल्प, आधा अधूरा दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, रंगीन कांच, रंगीन कांच, रंगीन कांच में से आप देखिएगा, दिखेगा बट उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। कुहरा, कोहरा जानते हैं, जो कोहरा पड़ता है जाड़े में, मौसम जाड़े का ही है, कोहरा वाला वही कोहरा, अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तीसरा, रंगीन पन्नी भी हो जाएगी, रंगीन पन्नी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेल में डूबा कागज, तेल में डूबा कागज। अच्छा, केवल कागज कहा जाए तो वो अपारदर्शी होगा, केवल कागज अपारदर्शी, तेल में डूबा कागज अल्प पारदर्शी होगा, उसमें से धुंधला दिखाई देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अच्छा, धुआं, धुआं कौन सा हो जाएगा? अल्प पारदर्शी, स्पष्ट नहीं दिखता बट दिखाई देता है, ठीक है, उसमें से भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती, अपारदर्शी क्या होती और अल्प पारदर्शी क्या होती। अब देखेंगे क्या चीज, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किरण पुंज, पुंज मतलब होता है समूह, जहां से प्रकाश किरणें निकल रही हो, पुंज समूह में, ठीक है। तो प्रकाश समूहों के रूप में चलती है, हम लोग जानते हैं प्रकाश किसके रूप में चलती है, समूह, एक किरण नहीं चलती प्रकाश, बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ चलती है। तो बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ चलती है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अर्थात प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। कितने हैं? तीन है, अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तीन है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अपसारी में देखिएगा, अपसारी में क्या होगा, प्रकाश एक जगह से निकल के चारों तरफ क्या होगी, फैल जाएगी। एक जगह से निकल के चारों तरफ क्या होगी, फैल जाएगी। एक पॉइंट से क्या होंगे, सभी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होंगी या फिर निकल के जा रही होगी। ऐसा समझिए, जैसे टार्च ले लीजिए, टार्च ले लीजिए, टार्च को जब जलाइएगा ना तो प्रकाश चारों तरफ ऐसे क्या होती, फैल के देखे जाइए ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी वाली हो गई, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी में क्या होगा, जस्ट उल्टा, अभिसारी में क्या होगा, जस्ट उल्टा, बहुत सारी प्रकाश किरणें एक जगह आके क्या होंगी, एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। तो ये कौन सी वाली हो जाएगी, अभिसारी। देखिए ये सब आके एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये अभिसारी वाली हो जाएगी। कहां पे आप देख सकते हैं इसको, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस जब होगा ना, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ के एक जगह केंद्रित कर देता है। जब हम पढ़ाएंगे लेंस तब आप वहां पे बेहतर तरीके से समझेंगे। टार्च में देखिए अपसारी या फिर अवतल लेंस में अपसारी, उत्तल लेंस से क्या बनाते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। असमांतर तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समांतर होंगी एक दूसरे के, ऐसे समान दूरी पर चल रही होंगी। तो ये कौन सी वाली हो गई, समांतर प्रकाश किरण पुंज। कहां से निकलती है ये, हम लोग जब भी मानेंगे तो ये सूर्य से क्या मानेंगे कि समांतर प्रकाश किरण पुंज निकल के हमारे यहाँ आ रही है। तो जो बहुत दूर प्रकाश स्रोत होगा इनफाइनाइट पे, वहां से क्या मानेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज आ रही है। तो ये है प्रकाश किरण पुंज, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए, बार बार पूछता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अभी एक उदाहरण से आपको समझाए भी थे कि धूप में जाइएगा और जिसमें चेहरा देखते हैं वो वाला दर्पण ले लीजिएगा और उसे धूप में चमका दीजिएगा, तो क्या लगता है, प्रकाश देखिए दूसरी तरफ हम भेज देते हैं उसे, दर्पण के माध्यम से प्रकाश को दूसरी तरफ भेज देते हैं। यही घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है प्रकाश के परावर्तन में, कि जब प्रकाश क्या करे, किसी समतल अथवा चिकने पृष्ठ से टकराती है ना, तो टकरा के उधर ही वापस चली जाती है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब समझिएगा, अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम आपको दिखाई नहीं देते, बोर्ड आपको दिखाई नहीं देता है, कोई भी चीज आप देखते हैं दुनिया में वो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। कौन सी घटना नहीं होती, तो प्रकाश का परावर्तन। हमें वायु दिखाई देती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं पाता है। अगर हो पाता तो हमें वायु भी क्या होती, दिखाई देती।
तो ध्यान दीजिए इस चीज को। तो प्रकाश का परावर्तन समझने की कोशिश करिएगा। हम कह रहे हैं मान लीजिए कोई समतल चिकना पृष्ठ है और प्रकाश हम यहाँ से क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं और ये गई और टकरा के क्या की वापस आ गई। तो यही घटना क्या है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण ले लीजिएगा धूप में चमकाइएगा तो प्रकाश उधर से मान लीजिए आ रहा है और चमका के इधर कहीं भेज दिए। तो यही घटना क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो किसी समतल अथवा चिकने पृष्ठ से वस्तु मतलब प्रकाश टकराएगी ठीक तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। वही क्या है प्रकाश का परावर्तन है। अब हम लोग क्या देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, नियम समझने की कोशिश करिएगा। कितने नियम है दो नियम है। कितने नियम है टोटल दो नियम है। देखिए हम फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। कितने नियम है दो नियम है। ये हमारे पास एक दर्पण है। ये क्या है ये दर्पण है ठीक है। दर्पण यानी मिरर है। अब ध्यान दीजिए ये प्रकाश किरण मान लीजिए आके इस दर्पण से क्या कर रही है टकरा रही है। आगे क्या कर रही है टकरा रही है किसी भी पॉइंट पे। तो ये जो टकरा रही है ना इसका नाम क्या हम लोग देते हैं आपतित किरण। कौन से किरण आपतित किरण इसका नाम देते हैं। अब टकरा के जो यहां से वापस जाएगी इसका नाम क्या देंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण परावर्तित किरण। पॉइंट समझते चलिएगा। आपतित किरण आ से आने वाली परावर्तित किरण से परावर्तन के बाद जाने वाली ठीक है। अब जहां पे ये दोनों का मिलन है यहीं से एक क्या करिए लंब खींच लीजिए। किसके हिसाब से इस दर्पण के हिसाब से क्या करिए लंब खींच दीजिए 90 डिग्री में। तो ये किसका काम करता है अभिलंब का काम करता है। किसका काम करता है अभिलंब का। तो अब देखिए नियम क्या है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहां पे होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि देखिए आपतित किरण ये दिख रहा है और अभिलंब आपको दिख रहा है ना इसके बीच एक कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है आपतन कोण। कौन सा कोण बनता है आपतन कोण बनता है। इसको किससे लिखते हैं हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं आई से। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी तो कोण बन रहा है ये वाला अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं परावर्तन कोण। किसे लिखते हैं आर से ठीक। तो पहला नियम हम क्या बताएं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि जो कोण आई होगा वो कोण आर के सदैव क्या होगा बराबर होगा। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा वाला नियम है। मतलब ये कि अगर आपतन कोण रहता 30 अंश तो परावर्तन कोण भी कितना अंश 30 अंश। यही बात है हमेशा ये होगा लागू होगा। इस चीज पे आपको दिमाग में फोकस करके रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछा है परावर्तन का नियम लिखिए बिना फिगर बनाए बस लिखिएगा नहीं गलत काटा जाएगा। लिखिएगा दो नियम होते हैं फिगर जरूर बनाए। अब क्या देखेंगे हम लोग अब देखेंगे लास्ट वाला टॉपिक प्रश्न और प्लस पिछले प्रश्न का आंसर। तो पिछले को मतलब क्लास में हम लोग क्या क्वेश्चन आपसे पूछे थे पिछले क्लास में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे कि जल का आयतन किस ताप पर सबसे कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए आयतन सबसे कम आयतन कम और घनत्व तो क्या चीज सबसे अधिक। ध्यान दीजिए इस चीज को इंपॉर्टेंट है 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम और घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जरूर आंसर आप लोग छापा करिए। क्वेश्चन क्या है सुनिए ग्लूकोज का आपको रासायनिक सूत्र छापना है कमेंट बॉक्स में। क्या चीज ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जरूर छापिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में इसी चीज का सेम दूसरा लेक्चर लेके। ये पहला वाला लेक्चर था दूसरा लेक्चर लेके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए।